हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स नेचुरल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक नेचुरल रेमेडी, यानी कि अगर आपके पास में अगर कोई ब्लीच नहीं है, कोई फेशियल नहीं है, अगर आपको पार्टी फंक्शन कोई भी अगर ज्वाइन करना है, तो उससे पहले आप क्या करें कि ताकि आपकी स्किन पे, आपके फेस पे एक इंस्टेंटली ग्लो आ जाए। तो आज की रेमेडी इसी के लिए है कि आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, तो आप तुरंत इस रेमेडी को यूज करके अपने फेस पे ग्लो ला सकते हैं। और इसको अगर आप कंटिन्यू यूज करते हैं, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिक ही, आपका स्किन टोन है, जो आपका कलर है, जो स्किन की रंगत है, वो अच्छे से निखर जाएगी। तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया है, एक टमाटर। टमाटर के दो पार्ट कर देने, एक पार्ट को हम हल्दी के साथ में यूज करेंगे, स्पेशली जो इसमें दो इंग्रेडिएंट की जरूरत है, टमाटर और हल्दी। लेकिन इसमें एक सीक्रेट है थर्ड, जो चीनी, उसको भी यूज करेंगे। उसको क्यों यूज कर रहे हैं, वो वीडियो के एंड तक आप देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि हमने चीनी क्यों यूज की है। तो जो टमाटर होता है, टमाटर के अंदर जो नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, जो स्किन को क्लीन करती है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपके दाग धब्बे छाइयों की प्रॉब्लम को दूर करता है। इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए पाया जाता है, जो स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। अब आपको इसको यूज कैसे करना है, तो आप देख सकते हैं कि टमाटर का एक पार्ट हल्दी के साथ में रखना है, एक पार्ट आपको चीनी के साथ। तो आपको हल्दी लगाने के बाद आपको इसी तरीके से बिल्कुल सर्कुलर मोशन में आपको इस फेस पे अच्छे से इसको रब करना है, बिल्कुल स्लो स्लो, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको आपको यूज करना है। ज्यादा आपको इसको दबाना नहीं है, क्योंकि जो मैंने तो वीडियो की स्पीड कर रखी, इसलिए थोड़ा आपको ज्यादा फास्ट दिख रहा है, लेकिन आपको स्लो स्लो इसको यूज करना है। अगर आप इसको इसी तरीके से अगर यूज करते हो, तो इसमें क्या होता है कि जो स्किन के ऊपर जो डर्ट इम्प्यूरिटी है, उसको जो टमाटर होता है वो बाहर निकाल देता है, क्योंकि ये एक नेचुरल क्लींजर है। सेकंड, हल्दी ली है, हल्दी होती है वो एंटीबायोटिक होती है। जैसे किसी चोट वगैरह की चोट लग जाती है, तो उस पर भी हम हल्दी को यूज करते हैं। वैसे ही ये अपने जैसे कील मुहासे, आप जैसे बार बार कील, जो आपके पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, उनको टच करते हो, वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो अगर आप हल्दी का यूज करते हो, तो आपके पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी और दाग धब्बे निशान नहीं रहेंगे। हल्दी है, हल्दी आपकी जो स्किन का कलर होता है, उसको कम से कम एक दो शेड लाइट करने का काम करती है। अब मैंने इसको 5 मिनट स्क्रब इसका अच्छे से हल्दी के साथ यूज किया, उसके बाद 5 मिनट के लिए सूखने दिया फेस पे। उसके बाद मैं चीनी क्यों यूज कर रही हूँ, चीनी का यूज करने का एक ही पर्पज है कि आपने जो हल्दी लगाई है टमाटर के साथ, वो हल्दी आपके फेस पे अपना जो पिगमेंट है वो छोड़ देती है, जो हल्दी का पीलापन है वो फेस पे रह जाता है। इसलिए अगर आप चीनी का यूज करते हो, आप चीनी और टमाटर का अच्छे से स्क्रब करोगे, तो ये आपके जो जितनी भी हल्दी आपके फेस पे चिपकी हुई है, उसको टोटली निकाल देगा और एक अच्छा स्क्रब का काम करता है। अगर आप ये टोटल काम, स्टार्टिंग में आपको फेस वॉश करना है, फेस वॉश करने के बाद अगर आपके पास टाइम होता है, तो आप 5 मिनट के लिए स्टीम लीजिए। अगर स्टीम नहीं ले सकते हो, तो कोई गर्म पानी के अंदर टॉवल डाल के, टॉवल को फेस पे रख के भी आप अपने जो पोर्स हैं उनको ओपन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने 5 मिनट इसको यूज किया, इसको बिल्कुल स्लो यूज करना आपको। अब आपको फेस वॉश कर लेना है। मैंने फेस वॉश कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि फेस का ग्लो कितना कितना ज्यादा है, आप खुद देख सकते हो इस रिजल्ट को। तो गाइज, आप भी यूज कीजिए, और मैंने हाथों पे भी यूज किया है, तो हाथ के अंदर भी आप डिफरेंस देख सकते हो। आप यूज करना, यूज करने के बाद आपके साथ कैसा रिजल्ट रहता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और सगे संबंधी के साथ